सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एक बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ के हाथ में ही सुरक्षित रहता है। यदि बच्चे पे कोई मुसीबत आए तो माँ उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी माँ भी होती हैं जो अपने हाथों ही बच्चों का खून कर देती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही खूंखार माओं के बारे में जिन्होंने बड़ी बेरहमी से अपने बच्चों का खून कर दिया था। फ्लोरिडा में रहने वाली एलेक्जेंड्रा टोबियास ने अपने 3 महीने के बेटे को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। दरअसल एलेक्जेंड्रा फेसबुक पर गेम खेल रही थी। बेटे के रोने की आवाज़ से उसका ध्यान गेम से हट रहा था। इस बात से चिढ़कर उसने अपने बेटे को उठाकर बुरी तरह झकझोर दिया। फिर एलेक्जेंड्रा ने आराम से स्मोक किया और दोबारा बच्चे को उठाकर हिलाया। इससे बच्चे के दिमाग पर काफी जोर का झटका लगा और उसकी मौत हो गई। अपने 3 महीने की बच्चे का मर्डर करने के जुर्म में एलेक्जेंड्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कैलिफोर्निया में रहने वाली का यांग ने फरवरी 2012 में अपनी 7 हफ्ते की बेटी को 2 मिनट माइक्रोवेव में पकाकर मार डाला था। इस 2 मिनट में बच्चे की अतड़ियां और पेट पूरी तरह जल गए थे। कोर्ट में का यांग के वकील ने बचाव में दलील देते हुए कहा था कि उस समय वो किसी और के वश में थी। टेक्सास में रहने वाले स्टेसी मैरी पार्सन्स ने अपनी 4 साल की बेटी को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। 25 साल की इस मां ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया था कि उसे अपनी बेटी से जलन होती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। उसने अपनी बेटी की बॉडी को हस्बैंड के कार के ट्रंक में डाल दिया था। 2009 में क्लेयर बाइग्स ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी 2 महीने की बच्ची को पीटकर मार डाला था। क्लेयर को ड्रग्स की आदत थी, इस वजह से वो अपने एक बच्चे की कस्टडी पहले ही खो चुकी थी। इसके बाद 2 महीने की बच्ची की कस्टडी क्लेयर को दी गई थी, लेकिन ड्रग्स के नशे में क्लेयर ने बच्ची को बुरी तरह पीटा। इससे बच्ची का कंधा, कलाई और कई हड्डियां टूट गई थी। हॉस्पिटल में बच्ची ने दम तोड़ दिया था। उटाहा की मेगन हंट समैन ने अपने हाथों से 6 बच्चों को जन्म देने के बाद मार डाला था। मेगन ने 1996 से 2006 के बीच 7 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से मेगन ने चिको मारकर अपने घर की गैराज में बॉक्स में डालकर छुपा दिया था। बाद में पुलिस को गैराज से बच्चों की बॉडीज मिली, जिसके बाद सारा मामला सामने आया। नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली लिंडसे लॉव ने टॉयलेट में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके 1 मिनट के बाद उसने अपने दोनों बच्चों के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें मार डाला। लिंडसे ने इन नवजात बच्चों की बॉडीज अपने रूम में छुपाई थी। मामला सामने आने पर लिंडसे ने पुलिस को बयान दिया है कि वो नहीं चाहती थी कि उसके प्रेग्नेंट होने की बात किसी को पता चले, इसलिए उसने दोनों बच्चों को मार डाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।